हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साल 2024 ईयर 2024 अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से काफी अच्छा साल है अभी जस्ट कुछ समय पहले एसएससी ने दो एडवर्टीजमेंट जारी किए तो कुल मिला के कि 25 या छब्बीस हजार ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी है ग्रेजुएट लेवल और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो 25 छब्बीस हजार वैकेंसी तो एसएससी ने पिछले कई सालों से निकाली ही नहीं इस बार ऐसी नंबर ऑफ वैकेंसीज या पदों की संख्या अच्छी देखने को मिल रही है एक और विज्ञापन जारी हो गया जिसमें छह से ज्यादा पोस्ट है क्लर्क की पोस्ट है और ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट इसमें शामिल हो सकते हैं ग्रेजुएशन या स्नातक कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेशलाइजेशन या स्ट्रीम बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए बी बीटेक बीएमएस बीएमएम और भी कई सारे आजकल अलग अलग सब्जेक्ट में और कोर्सेज चल रहे हैं ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएट नातक हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी है सभी जगह ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इसमें खास बात ये रहेगी कि आपका जो प्रेफर्ड स्टेट है जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें आपको आ, पोस्टिंग मिलने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे तो एक ये इसमें बेनिफिट है कि आप जिस राज्य में काम करना चाहेंगे उस राज्य में आप काम कर पाएंगे उस, उसी स्टेट में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग जहां पर से आप फॉर्म फिल करेंगे तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स टोटल सिक्स थाउजेंड से ज्यादा पोस्ट है तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो फर्स्ट जुलाई से शुरू हो चुकी है ट्वेंटी जुलाई तक चलती रहेगी एक जुलाई से लेकर इक्कीस जुलाई तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम चलेगा और इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा प्रिलिम्स होगा एक सिर्फ प्रिलिम्स के बाद जो है मेन एग्जामिनेशन होगा तो एक प्रिलिम्स होगा जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी प्रिलिम्स अगस्त में और इसके बाद मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेगा अक्टूबर में और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा अप्रैल 2025 ट्वेंटी फाइव तक इसके बाद इसमें इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं है बात हो रही है आप समझ गए होंगे जैसा कि आज ही ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज ही शुरू हो गई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तो इसमें कई सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जिनमें कि आप काम करना चाहें तो और जैसा मैंने कई बार बताया कि जिस स्टेट आप प्रेफरेंस जिस स्टेट की रखेंगे जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहीं आपको जॉब मिल जाएगी बैंक कौन सा मिलेगा ये तो डिपेंड करेगा कि आप कैसा स्कोर करते हैं तो अलग अलग कई सारे बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा है बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब नेशनल बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो जो है ना बैंक वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी और उसके बाद जिस बैंक के लायक आपका मार्क्स रहेगा उस बैंक में आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा तो ये क्लर्क की वैकेंसीज है को इंटेंडिंग टू तो अप्लाई फॉर सी क्लर्क्स तो क्लर्क की वैकेंसी है और पर अच्छा पोस्ट है इसमें या सिटीजनशिप की बात अगर देखें तो पेज नंबर गो टू इंडेक्स पेज नंबर टू के बाद है जो कि नॉर्मल अपना लिखा रहता है एज क्राइटेरिया शुरू हो जाती है इसमें फर्स्ट जुलाई पेज नंबर सिक्स अगर आप ऐसे देखेंगे तो पेज नंबर सिक्स है मिनिमम ट्वेंटी ईयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट ट्वेंटी एट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर एज कैल्कुलेट जिनका बॉर्डर लाइन पे रहता है जैसे कि अगर सपोज आपका ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन है ईर्यर्स है एज जो बीच में जिनका एज है उनको प्रॉब्लम नहीं इमिजिएटली कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है लेकिन जिनका बॉर्डर लाइन पर है उनको थोड़ी तकलीफ होती है समझने में तो उनके लिए जो है ना ये डेट है सेकेंड जुलाई नाइनटीन नाइनटी सिक्स से लेके फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर तक जिनका बर्थ है वो यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं तो अधिकतम आयु सीमा अट्ठाईस वर्ष है लेकिन अगर अग, आप एससी एस टी कैंडिडेट है तो पांच साल की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी नॉन क्रिमिलर कैंडिडेट को तीन साल की छूट मिलती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिनिमम टेन इयर्स की छूट मिलती है और महिलाओं के लिए अलग से छूट नहीं है एज में रिलैक्सेशन नहीं है लेकिन ऐसी महिला ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो विडो है या डायवोर्स वुमेन है या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड इनके लिए एज में कंसेशन दी गई जनरल कैंडिडेट के लिए थर्टी फाइव इन जेनरल एंड ईडब के लिए कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए थर्टी एट ईयर्स एंड एससी एस टी कैंडिडेट के लिए फोर्टी ईयर्स अपर एज लिमिट है तो ये बात होगी एज लिमिट की अब बात कर लेते हैं क्वालिफिक जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये सब इसमें लिखा है कि लो विजन जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं आप अगर देखना चाहे अब जो सभी के यूज किए वो कवर करेंगे हम जैसे कि मेन मेन चीजें हाइलाइट्स जो है कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहां पर मेंशन किया है ये सारी चीजें जो है हम इसमें चेक कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहां पर पेज नंबर टेन दिखा रहे गो टू इंडेक्स पेज नंबर टेन लेकिन अगर बेसिकली आप देखेंगे शुरू से तो पेज नंबर फोर्टीन के बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21 जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए 21 जुलाई तक मतलब लास्ट डेट जो सबमिशन की उस डेट तक आपके पास कुछ ना कुछ वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे पता चले कि आपके परसेंटेज कितने हैं और आप पास हो गए हैं क्योंकि परसेंटेज एंटर करना पड़ेगा तो डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मैंने पहले ही तमने पर ही बताया कि अब कई सारे डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होने लगे पहले कुछ ही डिसिप्लिन थे बीए बीएससी बीकॉम होता था फिर बीबीटेक तो होता था फिर अभी और भी बहुत सारे मास कम्युनिकेशन में होने लगा है ग्रेजुएशन तो फिर अलग अलग बहुत सारे हैं मास मीडिया के अलावा मास मीडिया कम्युनिकेशन और भी कई सारे हो गए हैं आजकल तो जिसमें भी है ग्रेजुएशन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ ग्रेजुएट होना होगा 21 जुलाई 2024 तक ये हो जाना चाहिए कि आपके पास या तो मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट है जिससे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर सकते हैं इसके बाद एक और चीज है आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट का जो है ना कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी अब सपोज आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती कोई खास लैंग्वेज तो ऐसे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर दें जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसी ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई कर दें जहां पर इंग्लिश है अगर आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो और अगर आपको वहां का स्टेट का जैसे आप महाराष्ट्र में मराठी आपको आ रहा है तो ठीक है अगर आपको उर्दू आ रहा है तो ठीक है अगर वेस्ट बंगाल में बंगाली आ रहा है तो उसको भी आप भर सकते हैं मैं ऐसे केस में बता रही हूं जिसमें कभी किसी को नहीं आता है कोई लोकल लैंग्वेज अपना तो उनके लिए फिर हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा ओपन फीस की बात करें तो आठ सौ पचास रूपये एट फिफ्टी रूपीज है जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है और ऊपर से कुछ जीएसटी नहीं लगेगा बाकी जो एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी एक सर्विस मैन डी एस एम कैंडिडेट है उनके लिए वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव रूपीज रहेगा एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में पहले तो प्रिलिम्स रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें इंग्लिश रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 20 मिनट देके पूरा वन आवर आपको मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे वन क्वेश्चन वन मार्क का अब इसमें ना तीनों में आपको क्वालिफाई करना इन ईच ऑफ द थ्री टेस्ट बाई सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आई एडिकुएट न इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाई तो सब में आपको क्वालिफाई uh, करना पड़ेगा मतलब इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में रिजनिंग एबिलिटी में अब वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे और इसका कट ऑफ में एड नहीं होगा मार्क्स ये सिर्फ क्वालिफाई करना ये वाला सेक्शन प्रेलिम्स मेन एग्जामिनेशन में आपका हो गया जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश के लिए और बाकी के लिए ऑप्शन रहेगा तो टोटल 160 मिनट मिलेंगे आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए अब देखें एग्जामिनेशन स्टेट वाइज जो है ना मीडियम ऑफ एग्जाम जैसे अंडमान एंड निकोबार स्टेट अगर आप चूज करेंगे फॉर्म भरते समय तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन देखने को पढ़ने को लिखने को आंसर करने को मिलेगा अगर आंध्र प्रदेश से आप भरेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे और वो आप प्रेफरेंस में डालेंगे तो इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगू ये तीन आपको लैंग्वेज मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने रीड करने समझने और आंसर करने के लिए तो ये आप पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग तो इंग्लिश से भी कंफर्टेबल नहीं हिंदी से भी नहीं है तो उनको जैसे दादरा नागर एन हवेली दामन एंड दीव उसमें गुजराती ऑप्शन है इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ गुजराती मराठी ऑप्शन है कोंकणी ऑप्शन है तो ऐसे भी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है अगर बेसिकली शुरू से देखा जाए तो पेज नंबर सिक्सटीन पे आपको मिल जाता है कि और इसमें सभी स्टेट के लिए अपना अपना दिया हुआ है तो आप लैंग्वेज देख लें कौन से लैंग्वेज से कंफर्टेबल उसके हिसाब से आप स्टेट भर दें आसपास आपके स्टेट जो है या आप जिस स्टेट से क्योंकि सभी स्टेट में वैकेंसीज हैं वैकेंसीज तो सभी स्टेट में है और आपका प्रेफर्ड स्टेट आपको मिल जाएगा मतलब कहीं आपको बाहर नहीं जाना होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ये प्रॉब्लम होता है कि जॉब तो बहुत अच्छी है पर वो घुमाते रहते हैं यहां वहां यहाँ वहां। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पेनाल्टी रहेगा देर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच ऑनलाइन प्रेलिमिनरी में भी रहेगा पेनाल्टी uh, मतलब निगेटिव मार्किंग को पेनाल्टी बोल रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगा ऑनलाइन प्रेलम्स में भी रहेगा और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में भी रहेगा फॉर ईच क्वेश्चन फॉर अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट वन फोर्थ पॉइंट टू फाइव मार्क्स कट हो जाएंगे <coughs> अगर क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते तो आंसर कुछ कट नहीं होगा वो ठीक है मतलब आपको तुक्के नहीं मारने तुक्के मारेंगे तो मार्क्स निगेटिव भी हो सकता पता चलेगा माइनस हो गए मार्क्स ही माइनस ट्वेंटी फाइव में आएगा क्योंकि तुक्के नहीं मारना है फिर कट ऑफ स्कोर रहेगा और उसके बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी इंटरव्यू का यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है नो इंटरव्यू एग्जामिनेशन सेंटर तो ऑल अक्रॉस इंडिया सभी जगह सेंटर्स बनाए गए आपका भी स्टेट मिलेगा एनएक्सर टू में आप चेक कर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे सिटीज uh, में प्री एग्जाम मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मतलब फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम आपको नहीं आता है तो एक डमी क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन कैसे होता है कैसे एंटर करते हैं सो दैट एग्जाम के टाइप आप अचानक कंप्यूटर पर बैठे तो आपको पेनिक ना होने लगे इसके लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग तो मुझे लगता है जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑप्ट करेंगे उनको शायद फीस थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी ऐसा हो सकता है तो आप चेक कर लें एक बार अब इसमें जो है और सिलेबस वगैरह नीचे दिया हुआ है वो आप देख लें क्या है नहीं है तो ये मेन चीजें जो है मैंने कवर कर दी आपके लिए जो भी हाईलाइट थे फी सैलरी जो है इसकी नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड की बेसिक पे रहती है इनकी इसमें ऐसे मेंशन नहीं किया लेकिन थाउजेंड नाइन हंड्रेड की बेसिक पे रहती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में फोर्टी थाउजेंड तक बाकी जगह भी थर्टी फोर थर्टी फाइव थाउजेंड तक स्टार्टिंग मिल जाएंगे और क्या होता है कि एक बार बेसिक पे पे रखते ये तो बेसिक पे हर साल बढ़ता है फिर डी आर एस अलावेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है गवर्नमेंट का इसके अलावा एचआरए मिलता है डी ए के अलावा एचआरए प्रोविडेंट फंड ग्रेचुअटी पांच साल हो जाने पर ग्रेचुअटी मिलनी शुरू हो जाती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ट्रेवलिंग एलावेंस मेडिकल अलावेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस काफी चीजें आपको मिलने लगती हैं तो सैलरी जो है फोर्टी थाउजेंड के अराउंड तो आ, आराम से हो ही जाएगी अब उसमें वो टैक्स डिडक्ट करते वगैरह वो सब अलग चीजें हैं पेज नंबर थर्टी सिक्स अगर शुरू से आप पेज नंबर थर्टी सिक्स पे आएंगे तो कहाँ पर क्या वैकेंसीज है बैंक वाइज वैकेंसीज भी आ, या जैसे भी जहां भी जो वेकेंसीज इतना देखना पॉसिबल नहीं है आप फॉर्म भर दें लेकिन यहाँ पर दी हुई है तो टोटल मिला के सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड समथिंग छह हजार दो सौ से ज्यादा वैकेंसीज हैं छह हजार तीन सौ से कम छ हजार दो सौ से ज्यादा दो सौ सोलह या दो सौ अठारह ऐसी वैकेंसीज हैं तो ये काफी बड़ी लिस्ट है इसे कौन बैठकर चेक करता रहेगा पर यहाँ पर लिस्ट भी इन्होंने जनरेट कर दी है अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है सिंपल सा प्रोसेस है ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर ही आपको आ, होम पेज पर भी थोड़ा नीचे रिसेंट अपडेट में आपको मिल जाने वाली है रिसेंट अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड नोटिफिकेशन फॉर सीआरपी क्लर्क ऑनलाइन तो एप्लीकेशन की लिंक भी यहाँ पर मिल जा रही है आपको नोटिफिकेशन भी यहीं पर मिल जा रही है आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकीपीडिया को चेक कर सकते हैं ऑथेंटिक रहते हैं उसके लिंक्स रिलायबल रहते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप अगर चेक करेंगे नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके तो भी आपको लिंक आईबीपीएस की मिल जाएगी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मौके को जाने मध्य नंबर ऑफ वेकेंसीज इस बार पिछले बार से ज्यादा है